शबनम से क्या गुल खिले, जब तक बरसात न हो तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे, जब तक मुलाकात न हो जब से महाराज। इसके उपरांत सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, भगवान तो जो सत्य पर चलता है उस पर कृपा करते हैं, जो सत्य का मार्ग अनुसरण करता है उस पर कृपा करते हैं। कहते एक समय की बात, एक सत्यव्रत नाम के राजा, और वो राजा कहते कृतमाला नदी में खड़े होकर भगवान की आराधना किया करते, पूजा करते थे। और जब वो पूजा कर रहे थे ना, ऐसे जल देते थे, आप भी कभी गंगा जी जाते हो, यमुना स्नान करते हो, तो उसी में खड़े होकर जल देने लगते हैं सूर्य को या देवताओं को, पितरों को।
ऐसे राजा जल दे रहा था और जल देते समय एक आवाज हुई, अरे राजा, ओ राजा, मुझे जलने मत छोड़ना। राजा, मैं तेरी शरण में हूं और शरण गई की रक्षा करना। अगर मुझे जल में छोड़ देगा तो बहुत से बड़े जीव मुझे खा जाएंगे राजा। और राजा ने इधर उधर देखा, नजर नहीं आया। और जब अपने हाथ की तरफ, अंजलि की तरफ देखा तो उसमें छोटी सी मछली। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जल तर्पणम तस्यांजलि उदके काचे रेखा पद्यत। देखा राजा ने उनकी अंजलि में छोटी सी मछली बोलती, राजा मुझे जल में मत छोड़ना, मैं तेरी शरण हूं। राजा ने कहा, रे ये तो बोलती है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अपने राज में ले जाऊंगा, बढ़िया भोजन खिलाऊंगा तुम्हें, वहां कोई भय नहीं होगा, तो मेरी शरण में जो आ गए हो। राजा ने अपना कमंडल लिया, पानी किया, उस जीव को उसमें डाल दिया। राजा अपने राज में लेके आ गया। देखना, जब राज में ले आया, एक बड़ा सा पात्र मंगाया, उसमें पलट दिया और राजा कहने लगा, अब यहां तुम्हें कोई भय नहीं है, आराम से रहना। हे सेवको, इसका ख्याल रखना। और ऐसे कह कि जैसे ही राजा की कमर फिरी जाने लगा तो फिर वही आवाज, अरे राजा, ओ राजा, राजा ये स्थान तो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, रे मुझे पीड़ा होती है, मेरी रक्षा करना। अब राजा ने देखा तो मछली बड़ी हो गई, पात्र में भी नहीं आ रही। राजा ने सोचा, हो सकता है कोई बड़ी प्रजाति की मछली हो जो जल्दी बढ़ती है। मछलियों की बहुत प्रजातियां हैं, सार्क भेल इतनी बड़ी मछली हो जाती है कि जहाज को भी पलट देती, साक्षात नारायण वो हरि है। क्योंकि अब जल का स्वरूप धारण करके, जल के जीव बनकर मेरे सत्य की परीक्षा कर रहे हैं। देखो, जब इस तरीका से कहा ना, बोले हां राजा, मानो सत्य की परीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया, बहुत सुंदर। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। राजा, तो वास्तविक सत्यव्रत है। आपको एक विशेष और कथा सुनाते हैं। इनका नाम सत्यव्रत कैसे पड़ा? ये राजा धर्म पर चलते थे। एक बार इनके राज्य में अकाल पड़ गया, जैसे हमारे यहाँ है कि बोले कोरोना है, वो लॉकडाउन पूरे भारत में, विश्व में कर दो। उन्होंने कहा कि बोले फ्री बांटो नाज, ऐसे करना ठीक ना है, ये सत्ता पर बैठे हैं लेकिन यहां से नहीं है। कथा भागवत पढ़ी होती तो शायद ये फ्री अनाज नहीं बांटते। विचार करना, राजा के राज में भी अकाल पड़ गया और किसी मंत्री ने कहा, बोले महाराज इनको कुछ दो खाने के लिए। राजा ने कहा, आप सही कह रहे हो। बोले कि बस मेरे राजकोष खोल दो और इन्हें फ्री खाने दो। उसके सलाहकार बोले, महाराज ऐसा मत करना। बोले क्यों? अगर ऐसा करोगे तो सब हरामी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। बोले फिर क्या करें? बोले ऐसा करो, ये डिडौड़ी पिटवा दो, जिस पर जो बनाना आता हो, जिस पर जो कुछ भी कला आती है वो अपनी कला से कुछ बनाए और वो उसे बेचे, और जिसकी वस्तु न बेचे वो मेरे राजकोष में जमा कर दे, उधर ले जाए। अब जहां पे बीज ना बनाने आवे वो बीज ना बनावे, जहां पे सूप बनाने आवे वो सूप बनावे, जहां पे घड़ा बनाने आवे वो घड़ा बनावे, जिस पर जो जैसा आता है ऐसे बनाते। अब देखना, एक व्यक्ति लोहार का, उसने सोचा बोले मैं भी कुछ बनाता हूं। उसने एक बहुत सुंदर चतुर्भुजी मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाई, काफी पैसा खर्च हुआ उस मूर्ति बनाने में, उसका समय व्यतीत हुआ, कई दिन हो गए, बच्चे भी भूखे, कुछ हो तो लाए। तो मूर्ति बन के तैयार हो गई, बाजार लगा राजा का, वहां जाके बेचते थे,
जिसकी वस्तु बिच जाती वो बिच जाती, नहीं बिचती तो राजकोष में जमा करो, पैसा ले जाओ। कितनी बढ़िया पद्धति थी। यानी कि सब कर्म अपने कर्म पर डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंड, किसी के अधीन नहीं जीना। अगर तुम अधीन होके जीते हो तो फिर ये जीवन जीवन नहीं है, दास बन जाओगे। अब देखो फिर क्या हुआ। तो वो बाजार में लेकर आया, सब अपने अपने सामान बेच रहे। अब उसके पास भी आए, शाम हो गई, कोई उसके पास आता, बोले हाँ जी कहाँ बनाया हो तुमने, बोले मूर्ति बनाई है बहुत सुंदर, अष्ट धातु की है। अच्छा किसकी है, कौन से देवता की है, बोले ये है दरिद्र नारायण की। थोड़ा सा कथा को ध्यान से सुनना। उसने कहा ये मूर्ति है दरिद्र नारायण की। अब दरिद्र नारायण कौन ले, लक्ष्मी नारायण हो तो समझ आइए, किसी ने नहीं खरीदी। जब नहीं खरीदी तो शाम हो गई, सोचने लगा कई बच्चे, कई दिन हो गए मेरे बच्चे भूखे हैं और कई बच्चे हैं है ना, अब उनको खाने के लिए कहां से लाऊं। जब बैठा बैठा मूर्ति लेके रो रो, राजा के मंत्री उधर आए, अरे बोले क्यों रोता है, बोले हमारी मूर्ति नहीं बिकी, हमने बनाई कई दिन में। बोले अच्छा मूर्ति नहीं बिकी, बोले हाँ किसकी है, बोले ये दरिद्र नारायण की है। और एकदम हुआ कि राजमंत्री बोले अरे दरिद्र नारायण की, नहीं नहीं हम नहीं खरीदे, चल यहां से। अब वो भी ऐसे कह के चले गए। राजा ने पूछा, सत्यव्रत राजा ने पूछा, बोले कि सबका व्यवस्था हो गई, सबके सामान बिक गए। बोले महाराज सबके बिक गए, सबके रख लिए राजकोष में, हमने जिनके नहीं बिके उन्हें भी धन दे दिया, पर एक व्यक्ति है। बोले कैसा, बोले उसने मूर्ति बनाई है और उसका नाम है दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण, हाँ चलो हम चल के देखते हैं। राजा ने देखा चल के, बहुत सुंदर मूर्ति लेकिन नाम दरिद्र नारायण। राजा ने कहा ठीक है भाई, मैंने वचन दिया था कि जिसकी वस्तु नहीं बिकेगी वो राजकोष में जमा कर दे, धन ले जाए। बोले कितना धन खर्च हुआ है तेरा, बोले महाराज 500 रुपए। ठीक है, बोले से 500 रुपए दे दो, मूर्ति को खजाने में ले चलो। राजा ने मूर्ति खजाने में रखवा ली। अब विचार करना, रात हुई, रात होते ही राजा कुछ नींद में कुछ जग रहा है हल्का सा। उसके राज से एक बहुत सुंदर देवी बड़े सुंदर आभूषण पहनकर निकलने लगी, और जैसे ही निकल के जाने लगी तो राजा ने देखा, अरे अरे कौन है, ए देवी कौन हो तुम और कहां जा रही हो। तो उस देवी ने कहा, राजन मैं तेरी राज लक्ष्मी हूं और तेरे घर दरिद्र नारायण आ गया है, इसलिए मैं जा रही हूं। सुख लक्ष्मी नारायण की थोड़ी थोड़ी ठहरेगी, दरिद्र नारायण थोड़ी थोड़ी ठहरेगी, राज लक्ष्मी चलेगी और लक्ष्मी चलेगी तो राजा की नींद चली गई। जाके लक्ष्मी चली जाए नींद आवे, वो तो राजा बैठो देख रहो। बोले हमने भरे दरिद्र नारायण खरीदे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद पीछे एक बहुत सुंदर, तेरी राज लक्ष्मी चलेगी, तेरा धर्म चला गया, तेरा कर्म चला गया, सब गए और मैं सत्य हूं, मैं भी जा रहा हूं। तो राजा ने हाथ पकड़ लिया, तुम कहां जा रहे हो, अरे क्यों, अरे मैंने सत्य की खातिर ही तो दरिद्र नारायण को रखा और आज तुम ही जा रहे हो, तुम मत जाइए। अगर मैं सत्य को, सत्य का पालन नहीं करता, वचन का पालन नहीं करता तो दरिद्र नारायण को क्यों रखता, तुम तो रुको। ये कहावत है, ये कहते हैं ना कि सत मत हारे सूरमा, सत हारे पत जाए, और सत हारे की लक्ष्मी कब फिर मिलेगी। जब देखी ना राजा ने सत्य को पकड़ लिया तो फिर धर्म आएगो, कर्म आएगो, राज लक्ष्मी सब लौट आए। इसलिए सत्य को पकड़ लेना, इसलिए राजा का नाम सत्यव्रत पड़ गया।
तुम किसी का व्रत कर, व्रत माने क्या है? कल एकादशी व्रत रहे, है ना। व्रत माने क्या है? व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। ऐसे राजा ने संकल्प किया, मैं सत्य को धारण करूंगा। भगवान ने बस दर्शन दिया और कहा सत्यव्रत, आज के सातवें दिन ये पूरी पृथ्वी जल प्लावन हो जाएगी। और देख, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तू एक नौका बनाना और उस नौका में पृथ्वी के विशेष बीज तत्वों को रखना, धर्म शास्त्रों को रखना और उस नौका में बैठ जाना। जब तेरी नौका डगमगाने लगे तो तू ध्यान करके देखेगा तो तुझे सप्तऋषियों की नौका नजर आएगी। और अपनी उस नौका में से फिर तू मेरी नौका, महाराज ऋषियों की नौका में सवार हो जाना और उस नौका को मेरे सिंह से बांध देना और फिर मैं तुझे प्रलय दर्शन कराऊंगा और तुझे मत्स्य गीता का ज्ञान दूंगा। और एक बात विचार करियो, जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है वो इस बात को समझ पाएंगे। प्रलय होने में अगर ठाकुर जी चाहे ना तो 2 मिनट लगे, और 2 मिनट न लगे उन्हें तो, हमारे 2 ग्लेशियर हैं, उत्तरी ग्लेशियर और दक्षिणी ग्लेशियर, अगर ये एक साथ पिघल जाए ना तो इस पृथ्वी पर कई कई किलोमीटर पानी खड़ा हो जाएगा, ऐसे ग्लेशियर है। हमारे जो फौजी है उनसे पूछो सियाचिन, वहां इतनी ठंड पड़ती है अभी, फौजी बर्फ को हटाते रहते हैं, तो कहने का भाव है बहुत बहुत बड़े ग्लेशियर है। उत्तराखंड में जब 16 जून को हुआ था, देखा ना, पहले जो तांडव हुआ था, उनने कभी धारी तो फटी थी, लाखों समा गए उसमें। उनको प्रलय करने में कितनी देर लगेगी? ऐसे भगवान ने किया और महाराज फिर मत्स्य गीता का ज्ञान दिया। भगवान गीता का ज्ञान देते हैं ना तो प्रलय काल में समझना, जब तक तुम अपने जीवन के सब विचारों का प्रलय नहीं कर दोगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इन सब को प्रलय में डुबा दो तो वो ज्ञान मिलेगा। ददाम बुद्धि योगम तुम, जो बुद्धि योग है समझ में थोड़ी आवे ऐसे। अर्जुन को ज्ञान कब दिया? महाभारत के मैदान में जब युद्ध हो रहा था। अब विचार करियो, काहू ते लड़ाई है जाए और लड़ाई है जाए कर ली और तुम बात कर लो, अरे भाई यार लड़काई रहो बेकार की बात कर रहे, हमारी बात सुने दे कछुनाए धरो, बोले तेरी बात ने बाद हम सुनेंगे, रामायण ने सुने दे आज यार देखेंगे। दोनों ओर से जब सेनाएं खड़ी हो गई हो उस समय भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। ऐसे ऐसे ही सत्यव्रत को प्रलय के स्थिति में मत्स्य गीता का ज्ञान दिया भगवान ने। बोले बांके बिहारी राम की जय। महाराज ऐसे फिर कहा सत्यव्रत, आगे तुम मेरे ही वंश में आज सूर्यदेव के आदि प्रवर्तक कहे जाओगे, यानी जहां से वैवस्वत मनु वंश चलता है, सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक यही आगे चल के श्राद्ध देव मनु हुए। दौड़ लगाती है अपनी मंजिल को बढ़ती जाती है। हाँ
सुख सांसों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, ओए 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 ओए, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, ओए 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 ओए, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। मोहन के सिग्नल का ही खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओए 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 ओए, जीवन की गाड़ी तो एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना, होए 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 होए, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना, बिना टिकट तो भाई जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन तो